डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर अब जैसे GS 4 के पेपर है उसके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस करके जो चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है या वो क्यों दिया गया है, जिससे कि जो आने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होंगे, कलेक्टर्स, IAS, IPS, IRS, ये सब लोग रहेंगे, इन लोगों के अंदर वो इमोशनल मेच्योरिटी है। अब हम लोग बात केवल इस लेवल पर जाकर नहीं कर सकते हैं कि ये डेवलपमेंट के लिए सही है या गलत। मान लीजिए आपको कोई गलत चीज सही लगती है, किसी को कोई बच्चा है जो कि केवल घूमना पसंद करता है, घूमना अपने आप में गलत नहीं है लेकिन उसकी पढ़ाई भी इस कारण से खेलना पसंद है, तो इतना ज्यादा लेकिन खेल रहा है कि पढ़ाई पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो गई है, पबजी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, उस बच्चे से सीधे फोन लेने की बजाय उसे समझाना पड़ेगा। यहाँ पर जब भी रिलीजियस सेंटीमेंट इन्वॉल्व होते हैं तो सेंटीमेंट मतलब इमोशंस आपके इन्वॉल्व है, तो बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, वो आप आसानी से नहीं उसे अलग कर सकते, लेकिन आपको उनको समझाना पड़ेगा, परसुएट करना पड़ेगा, तभी परसुएशन भी है, यहाँ पर परसुएट करना पड़ेगा कि यहां से हटाना है जरूरी क्यों है। आप आउटराइटली जाके नहीं हटा सकते, हटाना भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आप कर लोगे, अथॉरिटी है आप कर ले जाओगे, लेकिन उससे जो लोग वहां पर हैं उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचेगा, एंड दैट इज कम्प्लीटली अ सेपरेट टॉपिक की डेवलपमेंट वर्सेज जो चैलेंजेस फेस। लेकिन यहाँ पर सेंटिमेंट के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, खासतौर से रिलीजियस सेंटिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन, तो चाहे वहां मंदिर रहे चाहे मस्जिद रहे, जो आसपास के लोग हैं उन्हें समझा बुझा के जितने आराम से हार्मोनियसली काम हो उतना अच्छा है। और रही बात अगर आप भगवान के एंगल से समझना चाहते हैं तो नो गॉड इज दैट स्मॉल कि वो अपने मंदिर या मस्जिद कहां पर है उससे परेशान हो।